नमस्ते आप सबको, श्रोताओं को ओम शांति भी आपको। और आज के हम ईश्वरीय वरदान में चलेंगे आगे, 188वें दिन के ईश्वरीय वरदान। और इसमें बढ़ने से पहले जो कि नए श्रोता आए हुए हैं उनके लिए स्पेशली ये लिंक पे आप जा सकते हैं, अगर आपको योग आसन सीखना है और फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ानी है, खान पान के बारे में, वेट घटाने के बारे में और आपके स्लीप पैटर्न्स के बारे में, सोने के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आगे बढ़े आज के ईश्वरीय वरदान में। परमपिता परमात्मा हमें हल्का होने के लिए कहते हैं, डबल लाइट, बिल्कुल हल्का हो जाए। कैसे? तो डबल लाइट का मतलब क्या है और ये दो लाइट्स कौन सी हैं, इसके बारे में हम समझेंगे इसके वरदान में। तो आज देखें बाबा कहते क्या हैं गहराई में। परमात्मा कहते हैं डबल लाइट बन, मैं आत्मा एक लाइट हूं और मैं मन में हल्का, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं एक ट्रस्टी हूं। गहराई से आगे समझेंगे इसको, दोनों बातों को। अवस्था का अनुभव करने वाले, डबल लाइट बन, कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मातीत मतलब कि हमें समझ ही ना हो कि हम राइट कर रहे हैं कि रॉन्ग कर रहे हैं, संस्कार ही ऐसा बन जाए कि हर कर्म हम अच्छा कर रहे हो, पवित्र कर रहे हो, परमात्मा के अनुसार कर रहे हो, तो हमें सोचना ही ना पड़े कि ये राइट है कि रॉन्ग है। वो स्थिति में आ जाना कि जो भी कर्म हो रहा हो बिल्कुल परमात्मा के अनुसार चल रहा हो, भगवान के अनुसार चल रहा हो, उसमें ज़्यादा बुद्धि ना चलाना पड़े। कहीं लोभ होता है तो सोचना पड़ता है, कहीं मैं लोभी हो गया हूँ क्या, क्या मेरे को अहंकार आ रहा है, क्या मेरे को ईर्ष्या आ रही है क्या। तो वो चीज़ की भी हमें ज्ञान की भी ज़रूरत ना पड़े, इतना सोचना ना पड़े, वो स्थिति में पहुँच जाएँ कि हम सदा ही जो भी सोचें, जो भी देखें, जो भी बोलें, जो भी करें, वो एकदम पवित्र हो ऑटोमेटिकली। तो संस्कार में जब वो आ जाता है तो ऑटोमेटिकली हमें सोचना नहीं पड़ता कि मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं गलत ना हो जाए मेरे से। परमात्मा कहते हैं उस स्थिति में आओ, कर्मातीत अवस्था में आओ, जो कि हमारी लास्ट स्टेज है। तो बनाना तो अभी से पड़ेगा, प्रैक्टिस तो अभी से करनी पड़ेगी ना। तो परमात्मा देखें विस्तार में कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, कोई भी कर्म करना, सुबह से उठना से लेकर ब्रश नहाना धोना, खाना पीना, खाना पकाना, सब कुछ करना, ये सारी चीज़ें देखना, कमाना वमाना, ये सब कुछ हमारे कर्मों में नेचुरल आ चुका है कि नहीं। वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए, वैसे ही जो भी हम कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, उसमें हमारे अंदर कहीं लोभ आ गया, अहंकार आ गया, ईर्ष्या घृणा नफरत आई, तो फिर हमें सोचना पड़ता है अरे इस चीज़ को हटाओ, ये गलत सोच है, वो भी चले जाए, उतना भी सोचना ही ना पड़े क्योंकि हर कर्म हमारा बिल्कुल पवित्र हो। वो पहुँचने के लिए, उधर तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझाते हैं बाबा आगे। तो बाबा कहते हैं स्वाभाविक हो जाए इसके लिए डबल लाइट रहो। अब डबल लाइट है क्या? डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो। क्या समझे? ट्रस्टी, मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर भी मेरा नहीं है, मेरा शरीर, मेरी बॉडी, माय बॉडी कहते हैं। तो इसका मतलब ये बॉडी भी हम अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, अगले जन्म में भी नहीं जाएगी और ऊपर भी नहीं जाएगी। ये कुछ समय के लिए हमें ये शरीर मिला है, शरीर के ऊपर नाम परमप्रीत शानु या आपका जो भी नाम पड़ा हुआ है, उसके साथ में आपके नाम कहीं लिखे हैं, किसी रजिस्टर में लिखे हुए हैं, कहीं खाते में लिखे हुए हैं, डायरेक्टरी में लिखे हुए हैं, गवर्नमेंट की उसमें लिखे हुए हैं, पैन कार्ड पे, आधार कार्ड पे, वो टेम्प्रेरी है, या आपके बैंक अकाउंट पे, आप करोड़पति हैं, अरबपति, खरबपति जो भी हैं, लेकिन वो सब कुछ चला जाएगा एक सेकंड के अंदर। तो परमात्मा कहते हैं वो एक सेकंड में जो जाने वाली चीज़ है, ये शरीर छूटा, सब कुछ चला गया। तो परमात्मा कहते हैं इसलिए अपने आप को आत्मा समझो, ताकि आप अहंकार में, ग्रीड में, लोभ में, ईर्ष्या घृणा में आके कर्म ना करो। आत्मा समझने से हमारे अंदर वो सारी चीज़ें जो होती हैं, पुराने संस्कार होते हैं, पुराने स्वभाव होते हैं, वो खत्म होते हैं, वो एक लाइट हो गया। तो सेकंड लाइट क्या है? ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब मेरा कुछ नहीं है। हम जैसे भी कहते हैं कि परमात्मा ने सब कुछ दिया, भगवान ने घर दिया, भगवान ने धन दिया, भगवान ने गाड़ी दी, भगवान ने बच्चे दिए, भगवान ने पति दिया, भगवान ने पत्नी दी, भगवान ने रिश्तेदार दिए, भगवान ने सुख दिया। तो जब सब कुछ भगवान ने दिया है, सारी चीज़ें भगवान ने दी हुई है चारों तरफ हमें, तो हमें जब लेके नहीं जाएंगे तो हम क्या हो गए? जैसे कि होटल में बैठे हैं, ये घर तो मेरा दिख रहा है, मैंने कहा मेरा घर, लेकिन ये एक लंबा होटल में रहने की यात्रा है जिसको हम साथ में लेके नहीं जाएंगे। जैसे आप होटल को साथ में नहीं लेके जा सकते, वैसे इस घर को भी आप साथ में लेके नहीं जा सकते। तो ये घर में भी हम ट्रस्टी होकर के इसको संभाल करें। मैंपन, मेरेपन में आने से या तो ईर्ष्या आएगी, अहंकार आएगा, या तो हम बोलेंगे देखो ये मेरे पास ये क्या है, ये देखो मेरे पास में ये चीज़ है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा नाम, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। परमात्मा कहते हैं मैंपन छोड़ो, ट्रस्टी बन जाओ, मेरा कुछ नहीं, भगवान का सब कुछ दिया, मैं बस इन चीज़ों को संभाल रही हूँ या रहा हूँ। देखा जाए तो आत्मा ना रही ना रहा होता है, मैं आत्मा संभाल रहा हूँ या रही हूँ, बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम आत्माएं परमात्मा के बच्चे, परमात्मा की दी हुई चीज़ों को संभाल रहे हैं, तो मेरा कुछ भी नहीं है, सगे संबंधी जो भी हैं मेरे नहीं हैं,
वो भी मुझे रिश्ते में मिले हुए हैं जिनकी मेरे को संभाल करनी है, लेकिन वो मेरे नहीं है। अगर मेरे नहीं हैं तो मेरे को घृणा नहीं आएगी, मेरे उसने ऐसे कह दिया, मेरे बच्चों ने ऐसे कर दिया, मेरी वाइफ ने ऐसे बोल दिया मेरे बारे में, मेरे हस्बैंड ने मेरे बारे में ऐसे बोल दिया, मेरा कोई है ही नहीं, तो फिर वो बातें भी लगेंगी नहीं, अहंकार नहीं आएगा, घृणा नहीं आएगी, नफरत नहीं आएगी, ईर्ष्या नहीं आएगी, क्रोध नहीं आएगा। तो परमात्मा कहते हैं वो स्टेज तक पहुंचना है जहां पर मेरापन खत्म हो जाए, हम ट्रस्टी बस। तो वो फीलिंग में आना है, वो फीलिंग के अंदर बैठ जाना है हमें गहराई में, कि मेरा कुछ भी नहीं है और मेरे कोई भी नहीं है। तब जाकर के हम हर एक के साथ में समदृष्टि से आएंगे, किसी की कोई बात हमें कठोर नहीं लगेगी, हमारे अंदर कल की जो बात करी थी हमने वरदान में, सहन शक्ति बढ़ जाएगी हमारे अंदर, सहनशीलता बढ़ जाएगी हमारे अंदर। तो वो मुश्किल नहीं लगेगा कि अरे हम कैसे सहन करें बातों को, इसने इतना बोल दिया मैं कब तक इंसल्ट सहन करूं, वो भी नहीं आएगा। तो ट्रस्टी होने से भी हमें वो फायदा हो जाता है कि मैं सब चीज़ का ट्रस्टी हूँ, मैं ओनर नहीं हूँ, मैं किसी को ओन नहीं करता। मेरे बच्चे बोला मेरे नहीं है, वो तो इस जन्म में मेरे बने हुए हैं कुछ समय के लिए, बस वो भी एक रोल अदा कर रहे हैं, बच्चों का रोल अदा कर रहे हैं बस, लेकिन वो मेरे नहीं है। तो उनकी बातें भी बुरी नहीं लगेंगी, हस्बैंड की भी बात बुरी नहीं लगेगी, वाइफ की बात बुरी नहीं लगेगी। तो परमात्मा चाहते हैं हम ट्रस्टी हो जाएं, इसमें बहुत फायदा है। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एनजीओ का ट्रस्टी देखते हैं अगर आप, तो ट्रस्टी को टेंशन नहीं होता है, राइट, कि अरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, लॉस क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। वो हर चीज़ को टीम वर्क में करता है, और ट्रस्टीज भी होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, सब मिल करके वो क्या करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन अगर उसका पैसा लगा हो, उसी का सब कुछ हो, वो सोचे मेरा लॉस हो गया, तो फिर क्या होगा, टेंशन में कभी हम सोल्यूशन निकाल नहीं सकते। तो ट्रस्टी होकर के करना हर चीज़ में, डिटैच हो जाते हैं ट्रस्टी होने से, हम डिटैच होकर के उस चीज़ से अपने आप को डिटैच करके तब हम सोल्यूशन निकाल पाते हैं। लेकिन अहंकार में सोल्यूशन नहीं निकलता, ईर्ष्या में सोल्यूशन नहीं निकलता, घृणा करते हुए सोल्यूशन नहीं निकलता किसी प्रॉब्लम का। तो परमात्मा चाहते हैं हम ट्रस्टी हों, एक आत्मा लाइट और ट्रस्टी लाइट हल्का हो जाए। परमात्मा कहते हैं इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, कर्मातीत मतलब कि हमसे कोई फिर बुरा कर्म नहीं होगा, लोभ में आकर कर्म नहीं होगा, अहंकार में आकर कर्म नहीं होगा, मेरा बिगाड़ दिया, मेरी चीज़ खराब कर दी, मेरी बात नहीं मानी उसने, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हल्के हो जाएंगे, तो कर्मातीत हो जाएंगे, फिर सोचना नहीं पड़ेगा अरे मैंने ये क्या कर दिया, अरे मैंने घृणा में नहीं आना चाहिए था, अरे मेरे को क्रोध में नहीं आना चाहिए था, अरे मेरे को ईर्ष्या में नहीं आना चाहिए था। तो वो जो हम इस झूले में झूलते रहते हैं, कभी क्रोध में, कभी अहंकार में, कभी ईर्ष्या में, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, हम ट्रस्टी हैं। तो सेकंड में कर्मातीत बन जाएंगे, निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो। निमित्त मात्र, मैं बस ये कुछ समय के लिए कर्म कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं एक वाइफ का रोल अदा कर रही हूँ, कर रही हूँ, मैं एक बच्चे का रोल अदा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, हस्बैंड का रोल अदा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कुछ समय के लिए कर रही हूँ, लेकिन मैं ये सदा के लिए रोल नहीं अदा करने वाली हूँ आत्मा। मेरे को बस थोड़े समय के लिए करना है, मेरे को घृणा में नहीं आना, मेरे को ईर्ष्या में नहीं आना, मेरे को नफरत में ना, मेरे को सत्यता से कर्म करने हैं, मेरे को नम्रता से कर्म करने हैं, मेरे को एकदम पवित्रता से कर्म करना है, संतुष्ट होकर कर्म करना है, तब जाके हम कर्मातीत अवस्था में आएंगे। तो निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी परमात्मा की ये बात की याद में रहते हुए कि मैं ट्रस्टी आत्मा हूँ, इसके साथ योग लगाते हुए कर्म करो। योग मतलब याद में रह करके, इन चीज बातों को याद में रखते हुए कर्म करो। ये बातें किसने बताई हैं, परमात्मा ने। तो किसी की अगर बात बताई हुई याद आती तो वो व्यक्ति भी याद आता है, तो परमात्मा भी याद रहेगा। ये बातों को याद करते हुए कर्म करें तो ईर्ष्या, घृणा, नफरत, क्रोध, मैंपन, अहंकार घटता जाएगा। प्रैक्टिस करनी जरूरी है, पर इस चीज़ को, इसको चेतना में रखना जरूरी है, इसको बुद्धि में रखना जरूरी है हर सेकंड। फिर बाबा कहते हैं कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। तो कर्मातीत अवस्था में हल्कापन महसूस होता है, भारीपन नहीं होता, किसी से कुछ बुरा बोल दिया, अरे आज पूरा दिन अंदर ही गिल्ट फील हो रहा है, अंदर ही हम अपने आप को कोस रहे हैं, क्यों कर दिया मैंने ऐसे, क्यों बोल दिया ऐसे। तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी जब मैंपन, मेरापन खत्म हो जाएगा, मैं कहूँ, मेरा है, मैंने बोला, ये जब खत्म हो जाएगा आप हल्के होते जाओगे, आप स्वस्थ होगे, मन से स्वस्थ होगे, तन से भी स्वस्थ होते जाओगे। सोचिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा अपने जीवन में। मैं भी करता हूँ, कभी फेल होता हूँ, कभी पास होता हूँ, लेकिन करते 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 क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस बन जाएगी और एक दिन हम आदत में आ जाएंगे। तो आज का ये आपका ईश्वरीय वरदान, आप सुखी रहें, आप खुश रहें, आप तंदुरुस्त रहें। ओम शांति।